जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ से इसको 12-1 बजे ले गए दुकान पे से ले गए भरत को, काय के लिए ले गए भैया? तो बोलो लड़की के साथ में वहाँ पे बलात्कार हुआ, उसके सिलसिले में पूछताछ के लिए ले गए। आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई पछतावा है इस बात को? पछतावा क्या था, मैंने तो कल से सुन के हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया भाऊ जी, क्या बताऊँ मैं, क्या कर सकता मैं इसके विषय में। मैंने तो कोई बच्चे को सिखाया नहीं था सर के, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। मैंने तो उनको अच्छा पाल पोस के बड़ा करा, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, बाकी मुझे जरा तक भी कोई शक नहीं था कि बच्चा मेरा ऐसा निकल जाएगा, मेरे को नहीं मालूम था सर। पता पड़ता तो फिर भी आप पुलिस को सूचना? पुलिस को सूचना क्या, मैं तो पुलिस को साफ बताता था साहब बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, ये इस प्रकार से कर रहा, मैं तो थाने के सामने मेरे सब पूरा स्टाफ मुझे जानता है, पुलिस वाला 20 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सब पुलिस जानती है मेरे को, थाना भी मेरे सामने आया ही है, मेरी जन्मभूमि यहाँ की है, हमारे परिवार में कभी भी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ कि जिसने करा हो ऐसा। ये पहला केस है जो हमारे बच्चे का ऐसा नाम आया, अब करा नहीं करा ये तो भगवान जाने या वो जाने, मुझे तो कुछ नहीं मालूम ये बात। कब से चला रही है ऑटो बेटा? इसको हो गया कम से कम 6 महीना हो गए इसको। शादी हो गई थी क्या? शादी में इस साल खर्चा अभी की नहीं मैंने इसको, मेरा लड़का शांत हो गया इस कारण से इसकी शादी रुक गई। लड़की देख ली थी आपने? लड़की देख ली थी, बातचीत भी हो गई थी सर, इसने भी देख ली थी, वो भी देख गए थे, बातचीत पक्की हो गई थी। ऑटो कितना? बच्चा शांत होने के बाद में मैंने फिर रोक दिया। ऑटो कितना था ये चलाता था? ऑटो तो था मेरा ही, बाकी इसके छोटे वाले भाई का था वो जो शांत हो गया, उसका ऑटो आई है। अच्छा ये आपको जब इस घटना का सब पता पड़ गया है तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या आपने कभी सोचा उसको कि किस तरह से उसको, क्योंकि जिस तरह से दुर्दान तरीके से बच्ची पूरे रोड में घूमती हुई दिखी है, छोटी सी बच्ची थी, आपको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? अरे गलत क्या बाबू जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है ये तो, कि बेकार काम हुआ है ये तो बहुत, ये तो कोई भी हुआ इसको तो सजा मिलनी चाहिए इसको तो। क्या सजा मिली उसको? जीवा मौत के सिवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होने चाहिए ना भाऊ जी। आपने कहा एक पिता हैं आप, एक पिता हैं और बेटा आपका, आपके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है, आपको लग रहा है कि किस तरह, आपने कहा मौत की सजा उसको देंगे, किस तरह की मौत की सजा आप कह रहे हैं? मौत की सजा देंगे जब तो दूसरा अपराधी बचेगा इससे, नहीं तो अपराध तो होते ही रहेंगे इससे, अपराधी को मौत की सजा नहीं देंगे तो फिर क्या दोगे आप? होते तो क्या करते आप सजा देने के लिए? सजा देने के लिए तो पुलिस कस्टडी में मैं तो मार देता जाके साले को, इतने दिन हो गए मेरे को मालूम पड़ जाती तो मैं तो मार देता इसको, या तो फिर पुलिस के हवाले करता अगर मेरे को नहीं मारना होता तो। दादा आपको जब पता पड़ा, आप चूँकि कल पता पड़ा होगा शायद आपको इस बात का कि वो लेके गए, आपको लग रहा है कि ये उसने ये किया है लड़के ने? नहीं, अगर ऐसा होता तो इस बात को, सोमवार की बात है ये, सोमवार की बात है, कल इसको पकड़ के ले गई पुलिस, भग जाता सर ये भग जाता सर ये, अगर ये ऐसा करता है क्योंकि लड़ाई झगड़ा इसने पहले करे है उसमें भाग गया था ये। अच्छा। पुलिस ने आई थी मेरे को लेने के लिए, भाग जाता ये सर ये भागा नहीं, और जरा तक भी इसके मुंह पे कोई सर नहीं, जरा तक भी हमको मालूम नहीं पड़ा कि इसने कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया या कोई बात हो गई, जरा तक भी मालूम नहीं पड़ा सर, समय पर रोटी खाना, समय पर उठना, समय पर जाना, समय पर आना। अच्छा 25 तारीख को कितनी बजे जब यहाँ पहुँचा था आपके घर पर? उस दिन मैं 6 के लगभग में उठा था जब ये अंदर ही था घर में सो रहा था। हाँ घर में सो रहा था सर। रात को कितनी बजे यहाँ से निकला था? रात को तो ये ऐसे तो शाम को निकल गया था ये। अच्छा हमेशा रात को ही? हाँ लाइसेंस नहीं था इस कारण से पुलिस की डर के मारे रात को ज़्यादा चलाता था गाड़ी। आपने गोली मारने वाली बात भी कही कि तो गोली भी मार देना, तो क्या करे पुलिस तो काय को पकड़ती है ऐसे अपराधियों को, क्या करना? मार देनी चाहिए ना इसको तो, ऐसे अपराधियों को तो गोली मारने चाहिए सीधी सर, काय को पकड़े तो अपराधी को रक्षा करो, उसके 8-10 गार्ड लगाओ उसके पीछे, कोर्ट में जाना आना फाइलें खराब करना, ऐसे आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए। आपको लग रहा है लड़के बच्चे ने किया है ऐसा कुछ? नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा सर, और अगर करा देखो किसी के दिल में घुस के तो मैं भी नहीं बैठा हूँ, मुझे मालूम अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देता, एक बात ये भी है, अब किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? राजू सोनी। नमस्कार मैं हूँ रवि सक्सेना, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।